क्या आपने कभी वेगस नर्व के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि वेगस नर्व क्या होती है और ये आपकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट डालती है? अगर आपने वेगस नर्व के बारे में कभी नहीं सुना तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेगस नर्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वेगस नर्व के बारे में पता होना चाहिए और आपकी बॉडी में इसका क्या रोल है ये भी जानना आवश्यक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस की पाठशाला। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वेगस नर्व के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। चलिए अब वेगस नर्व के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे और हमारे नर्वस सिस्टम को काम यानी शांत रखना भी जरूरी होता है और इसके लिए ज्यादातर मेडिटेशन और ब्रीथिंग की सलाह दी जाती है। लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने का असल में क्या मतलब है? साइंटिफिकली कहे तो यह हार्ट रेट को स्लो करने, आपके ब्लड प्रेशर को कम करने, आपके ऑक्सीजन लेवल्स को ठीक करने और डिफरेंट मसल्स को रिलैक्स करने के बारे में है। एक चीज जो इन सभी सेंसेशंस में कॉमन है वो है वेगस नर्व। वही उन सभी सेंसेशंस को आपके ब्रेन से कनेक्ट करती है। पहले समझते हैं कि वेगस नर्व क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। वेगस नर्व को वेगल नर्व्स भी कहा जाता है। वेगस नर्व आपके पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की मुख्य नसें हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपके स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन और इम्यून सिस्टम। इन फंक्शंस यानी कामों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी इच्छा से इन्हें कर सकते हैं। वेगस नर्व शरीर का वह हिस्सा है जो यह समझाती है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है और हमारा शरीर हमारे दिमाग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी क्रैनियल नर्व है। यह लैटिन शब्द वेगस से आया है जिसका अर्थ है भटकना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपके पूरे शरीर में घूमती है और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ब्रेन स्टेम को बॉडी से जोड़ती है। केवल मैमल्स में ही यह नर्व होती है। यह रोग के प्रति इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में मदद करती है। वेगस नर्व हमारी बॉडी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती हैं और साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती हैं। वेगस नर्व का हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही जरूरी होता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम वेगस नर्व को मजबूत बना सकते हैं। उनमें से कुछ के बारे में हम आज आपको बताएंगे। योगा और मेडिटेशन। योगा के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को वेगस नर्व के फंक्शनिंग से लिंक किया जा सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि योगा प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, ब्रीथिंग और आसनास वेगस नर्व को मजबूत बनाते हैं। यह एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी को भी कम करते हैं। डीप ब्रीथिंग। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग का वेगस नर्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपकी ब्रीथिंग जितनी धीमी और गहरी होगी उतना ही आप ध्यान लगा पाएंगे, जो आपके वेगस नर्व को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। मंत्रा, चैंटिंग और सिंगिंग। वेगस नर्व आपकी वोकल कॉर्ड और आपके गले के पीछे वाली मसल से जुड़ी होती हैं। सिंगिंग, हमिंग और चैंटिंग इन मसल्स को एक्टिवेट करके आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकती हैं। रिसर्च बताती है कि एक सिंपल सा मंत्रा जैसे सबका फेवरेट ओम बोलने से ही ये वेगस नर्व पर बहुत अफेक्ट करता है, जो हमारी पूरी बॉडी पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी एक ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खुलकर हंसने से हमारा वेगस नर्व मजबूत बनता है। हंसी न केवल इमोशनल स्ट्रेस को रोकने में हेल्प करती है, बल्कि हमारे अंदर छिपे एग्रेशन, नेगेटिव एनर्जी जैसे स्ट्रेस को भी ठीक करने में हेल्प करती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत और अंत दिल खोलकर हंसने से करना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना या ठंडे पानी के छपके अपने फेस पर मारना। पुराने समय में ऋषि मुनि हर मौसम में ठंडे पानी से नहाते थे। इससे उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती थी, लेकिन समय के साथ इसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। परंतु आज भी अगर आप जितना हो सके ठंडे पानी से नहाएंगे तो इसके आपको कई फायदे मिलेंगे और आपकी वेगस नर्व भी आपको धन्यवाद देगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग। रिसर्च बताती है कि फास्टिंग और कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जिससे वेगस नर्व के मजबूत होने में मदद मिलती है और फास्टिंग से कई और हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। प्रोबायोटिक्स। रिसर्चर्स के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि गट बैक्टीरिया वेगस नर्व को अफेक्ट करके ब्रेन फंक्शन में सुधार करते हैं। वेगस नर्व हमारे ब्रेन और बिहेवियर में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।
अपनी डाइट में गुड क्वालिटी के प्रोबायोटिक्स ऐड करना न केवल आपके गट के लिए बल्कि आपकी वेगस नर्व के लिए भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपकी वेगस नर्व को मजबूत करने से आप अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके आप अपने शरीर को बता सकते हैं कि यह आराम करने और स्ट्रेस कम करने का समय है। यह आपके मूड, वेलबींग और रेजिलियंस में सुधार कर सकता है। यह एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में भी मदद करता है। तो आज से ही अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में ध्यान देना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा? हमें पता है कि आज का टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। तो हमारी वीडियो ध्यान से जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यूं ही आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।